Uh, okay. so, uh, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं देखिए क्या होता है बेसिकली एफ कोई फंक्शन है और किसी इंटरवल में डिफाइन है सपोज uh, मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा जैसे कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बी ओके डिफाइन ऑन डिफाइन ऑन क्लो सॉरी ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी कोई इंटरवल ए बी में डिफाइन है ओके okay. सो so, हमें फर्स्ट सेकेंड डायरिवेटिव टैच से चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम ओके okay. हमने फर्स्ट डायरिवेटिव टैच से चेक किया था लास्ट वीडियो में अब हम सेकेंड डायरिवेटिव टेस्ट देखते हैं इसमें क्या करना होता है की मान ले की कोई पॉइंट सी है यहाँ पर इस इंटरवल में ओके okay, कोई ए बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी है यहाँ पर ओके okay, तो हम सबसे पहले क्या करते, है? करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को एस सी इक्वल टू जीरो से पॉइंट अगर वैल्यू जीरो है एंड सेकंड डेरिवेटिव एट लेस देन जीरो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हैव लोकल मैक्सिमा देन फंक्शन मैक्सिमा, ठीक है निगेटिव पे मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे मतलब फंक्शन में वो वैल्यू पुट करने के बाद C, हाँ, जो नंबर आएगा वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ओके इसी तरह से अगर हम बात करें मिनिमा के लिए उसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं इससे हम यहां पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ये सी क्रिटिकल पॉइंट है ठीक है क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट फाइंड करते करते हैं उसको करते हैं उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट को और अगर साइन सेकंड डेरिवेटिव का चेक करते हैं वो पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हैव लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ सी इस पॉइंट के ऊपर हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ठीक है और तो अगर ऐसा हो जाए तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है हमारे पास कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट किया जीरो पुट करने के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए और सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट किया तो ये ना तो लेस देन जीरो है ना ग्रेटर देन जीरो ये कितना हो जाता है जीरो हो जाता है ठीक है तो हम ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तब तो, टेस्ट फेल इसके आगे हम फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव करते हैं फोर्थ डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं ठीक है वो आगे का प्रोसेस है लेकिन हम अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये तीन ही पॉसिबिलिटी है ठीक है तो इसके लिए चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं और उसे समझते हैं इसको हम सपोज मान लें कि f(x) कोई फंक्शन है एक 3x2 या और ज्यादा पावर ले सकते हैं 3x2 की पावर 4 प्लस फोर एक्स टू दी पावर थ्री माइनस ट्वेल्व एक्स मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है फंक्शन का कि क्या है? करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर और ये तो जीरो हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो पुट करते हैं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ओके इम्प्लाइज डेट यहां से हम ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो यहां से आप देखो तो ट्वेल्व कोमन आ जाएगा ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो ओके ये हमारे पास ये हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा आ, कितना सॉरी पर x और आएगा ट्वेंटी तो यहाँ टू एक्स रह जाएगा ठीक है ओके तो अब यहाँ से x भी कॉमन आ जाएगा इसका मतलब यहाँ से हम x भी कॉमन ले लेंगे फिर तो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई ट्वेल्व तो जीरो तो नहीं होगा तो एक्स जीरो प्लस टू जैसे क्वारा करते हैं ना इधर मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ये सब ये भी जीरो बराबर आ जाएगा सो एक्स इक्वल टू जीरो माइनस टू ये हमारे पास तीन पॉइंट आ जाएंगे जिनको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट ठीक है अब वन बाई वन हम एक एक पॉइंट सबसे पहले हम सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं एफ डबल डे फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया था ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसी को एक बार और कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 24 ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ओके अब हम क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं सबसे पहले x इक्वल टू जीरो पर ओके तीन पॉइंट है जीरो वन एंड माइनस टू ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट हैं तो हम सबसे पहले एट x इक्वल टू जीरो पे इसका साइन चेक करते हैं तो जीरो पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में ये कितना हो जाएगा जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी फोर कैंसिल थर्टी सिक्स विच इज पॉजिटिव और फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन चेक करते हैं तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा फोर फोर इंटू थर्टी सिक्स तो ये हो जाएगा कितना वन फोर्टी फोर और माइनस ये हो जाएगा कितना फोर्टी एट और माइनस ट्वेंटी फोर ये भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हमारे पास 144 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे हम 72 टूच इज इक्वल टू 72 जो क्योंकि पॉजिटिव है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है वन पे और माइनस टू पे ठीक है so, सो इसका फाइनली जो कंक्लूजन है वो ये हो गया है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन हैव क्योंकि निगेटिव आ रहा है मैक्सिमा ठीक है ये देखो निगेटिव है एंड एट एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस टू फंक्शन हैव मिनिमा ओके तो हमारे पास पता लग गया हमें किस पे मैक्सिमा रखेगा एंड किस पे मिनिमा रखेगा फंक्शन ओके चलिए तो हमें ये तीनों वैल्यू यहाँ से पता लग गई है ओके अब हम अगर फाइंड करना चाहते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो जीरो हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड वन एंड माइनस टू पॉइंट हो गया हमारे पास लोक पॉइंट ऑफ लोकल क्योंकि इन पे पॉजिटिव आ रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ओके नाउ अब हम फाइंड करना चाहते हैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ समझाने के लिए यहाँ पर याँ पर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से ठीक है चलिए अब हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू पे मिलेगी हमें जिसपे निगेटिव आ रहा था जीरो पे सो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ जीरो पर हम जीरो जगह पर तो ये कितना हो जाएगा जीरो फोर इंटू जीरो जीरो माइनस ट्वेल्व इंटू जीरो जीरो प्लस ट्वेल्व इक्वल टू ये हो गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ओके और मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो किस पे फाइंड करेंगे हम मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे सबसे पहले हम वन पे तो वन पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में तो कितना हो जाएगा 3 की पावर प्लस ट्वेल्व कैंसिल ये हो गया सेविन इसी तरह से हम दूसरी दूसरी लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर किसके ऊपर माइनस टू के ऊपर एफ ऑफ माइनस टू माइनस टू पर कितना हो जाएगा ट्वेल्व इंटू माइनस टू का क्यूब करेंगे तो माइनस एट हो जाएगा माइनस यहाँ लगा लेते हैं और प्लस ट्वेल्व इंटू माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा पॉजिटिव एंड ये हम अच्छा सॉरी ओरिजिनल वैल्यू में पुट कर रहे हैं ना यहाँ पर इसमें नहीं पुट करना हमें फंक्शन में पुट करना ये मैंने डेरिवेटिव ठीक है आप इस फंक्शन में पुट कर लें ये यहाँ पर नहीं ओके okay, चलिए तो हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा थ्री इंटू माइनस टू की पावर फोर तो कितना हो जाएगा माइनस टू की पावर फोर का मतलब पॉजिटिव प्लस फोर इंटू माइनस एट माइनस ट्वेल्व इंटू फोर एंड प्लस ट्वेल्व तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी एट माइनस थर्टी टू माइनस एंड एंड प्लस कैंसिल आउट तो ये हो गया हमारे पास माइनस के ट्वेंटी तो ये हमारे पास दोनों आ गई कौन सी मिनिमम वैल्यूज दो मिनिमम वैल्यूज आ गई और एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई ठीक है ओके आई होप यू गॉट इट अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ठीक है ना और इसी तरह की और फर वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे ओके थैंक यू सो मच